संसार में यदि देखा जाए सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी, दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, दुनिया में किसी भी धर्म की धरोहर की बात हो, लेकिन सबसे प्राचीनता की बात जब जब आती है तब जैन धर्म हमारा हमेशा आगे रहता है। प्राचीन अर्वाचीन ऐसे निमिनाथ परमात्मा, गुरु भगवंत कहते हैं कि समझ लेना शायद शिवपुरी नगरी में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा 125 वर्ष प्राचीन है। वहां से थोड़ा आगे बढ़े, तारंगा तीर्थ कई लोगों ने यात्रा करी होगी, अजितनाथ परमात्मा कौन से महाराजा ने जिनाले बनवाया, कुमारपाल महाराजा ने, करीबन 900 वर्ष प्राचीन। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, संप्रति महाराजा जिनके जीवन में यह संकल्प था कि जब तक सुबह एक जिनालय की प्रतिष्ठा के और एक नूतन जिनालय के खात मुहूर्त शिलान्यास के समाचार न मिले तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। उनकी प्रतिमा जी मिलती है आज के समय में भी, कितनी प्राचीन, 2400 वर्ष प्राचीन। उससे मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें, कपिल केवली भद्रेश्वर महातीर्थ में प्रतिमा जी विराजमान करी, 2800 वर्ष प्राचीन। उससे भी थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें, यही मध्य प्रदेश में नागेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा 2800-2900 वर्ष प्राचीन। वहां से भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, नाणा दियाणा नांदिया जीवित स्वामी वांदिया, जीवित स्वामी महावीर स्वामी परमात्मा की प्रतिमा करीबन 2600 साल पुरानी। जो धर्मसुरीश्वर जी महाराज साहब का शताब्दी महोत्सव है, उनकी जन्मभूमि महुआ में विराजमान जीवित स्वामी महावीर स्वामी परमात्मा 2600-2650 साल प्राचीन। वहां से भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, भोपावर तीर्थ में विराजमान कौन से परमात्मा, शांतिनाथ भगवान, करीबन 87,000 वर्ष प्राचीन। वहां से भी आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करें, क्या प्राचीनता का संदर्भ हमारे पास है, क्या प्राचीन धरोहर हमारे पास है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लेना, प्राचीनता की बात की जाए एक से एक प्राचीन प्रतिमा हमारे पास है, और इसीलिए शायद दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है। 87,000 ईयर्स ओल्ड प्रतिमा भोपावर में शांतिनाथ परमात्मा। वहां से थोड़ा आगे बढ़े, सौराष्ट्र में विराजित 108 पार्श्वनाथ से एक पार्श्वनाथ परमात्मा, अजाहरा पार्श्वनाथ परमात्मा 1,100,000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है। अजाहरा पार्श्वनाथ परमात्मा कितने वर्ष, 1,100,000 वर्ष प्राचीन। और हम पुण्यशाली है कि आज भी हम वो परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। 25-50-100 साल में धरोहरें खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा यह पुण्य है, हमारे पर ये देव देवियों की अनहद कृपा है, और इसलिए 1,100,000 वर्ष प्राचीन परमात्मा अजाहरा पार्श्वनाथ परमात्मा। उससे भी प्राचीन परमात्मा महावीर स्वामी परमात्मा करोड़ों वर्ष प्राचीन, आदिनाथ परमात्मा के बेटे भरत चक्रवर्ती के अंगूठी के रत्न से बनी हुई प्रतिमा कुलपाक जी महावीर स्वामी परमात्मा, आदिनाथ परमात्मा के बेटे ने बनाई हुई प्रतिमा, उससे भी प्राचीनता
की यदि बात की जाए तो संखेश्वर महातीर्थ में विराजमान कौन से पार्श्वनाथ परमात्मा? संखेश्वरा पार्श्वनाथ परमात्मा, बीजानो आसरो काचो, संखेश्वर साहिब साचो। ऐसे संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा पिछली चौबीसी के नौवे तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समय में बनी हुई प्रतिमा। समझना क्या प्राचीनता की विरासत हमें मिली। संसार का कोई भी धर्म आप देख लो, इतनी प्राचीनता किसी के पास नहीं। और वह चिंता तो बहुत देखने मिल जाएगी, नए नए मंदिर बहुत देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये जो प्राचीनता जैन धर्म के पास है वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म पहला एक समय ऐसा था जो विश्व धर्म, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां जैन धर्म ना पहुंचा। तरह तरह के भारत के आसपास की कंट्रियों में जहां जहां खुदाई होती है वहां जैन धर्म के प्राचीन अवशेष बाहर निकलते हैं। पिछली चौबीसी के नौवे तीर्थंकर दामोदर स्वामी और असाढ़ी श्रावक ने जब पूछा कि परमात्मा मेरा मोक्ष कब होगा, और परमात्मा ने कहा कि तेरा मोक्ष आने वाली चौबीसी में पार्श्वनाथ परमात्मा की वजह से होगा। और इसीलिए उसने कहा कि जो परमात्मा मुझे मोक्ष देने वाले हैं उनकी भक्ति में अभी से शुरू कर देता हूं। पिछली चौबीसी में नौवे तीर्थंकर दामोदर स्वामी के समय में बनी हुई परमात्मा संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा आज के समय में भी इतने चमत्कारी, इतने प्रभावशाली, उसके दर्शन यदि हो जाए, जीवन का बेड़ा पार हो जाए, उनको स्पर्श करने मिल जाए, लगे कि जीवन में बड़े से बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया, ये प्राचीन परमात्मा। लेकिन उससे भी प्राचीन एक परमात्मा हमारे पास है। नौवे तीर्थंकर में बने हुए परमात्मा संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा, लेकिन समझ लेना उससे भी प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन प्रतिमा आज के समय में यदि हमारे पास कोई है तो वो कौन सी है? और कोई नहीं, यही नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा। पिछली चौबीसी में तीसरे तीर्थंकर सागर तीर्थंकर, और उनको जब पूछा गया कि गुरु भगवंत मेरा मोक्ष कब होगा, ब्रह्मेंद्र देवलोक, और एक चीज समझना, संसार में इंसान की बनाई हुई प्रतिमा बहुत सारी है, संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा भी इंसान की बनाई हुई प्रतिमा है, आदिनाथ परमात्मा भी इंसान की बनाई हुई प्रतिमा है, लेकिन हमारा इतिहास ये कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये नेमिनाथ परमात्मा पिछली चौबीसी के तीसरे तीर्थंकर सागर तीर्थंकर, वो सागर तीर्थंकर के पास देवलोक के ब्रह्मेंद्र जाते हैं और जाकर के पूछते हैं गुरु भगवान मोक्ष कैसे होगा। कहा आने वाली चौबीसी में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा होगे, और वो नेमिनाथ परमात्मा के वरदत्त घनधर बनके तुम्हारा मोक्ष होने वाला है, और देवलोक के अंदर ब्रह्मेंद्र देवलोक के द्वारा बनाई गई ये नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा दुनिया की आज की तारीख में सबसे प्राचीन प्रतिमा है। कोई कहता है हमारे पास 5000 वर्ष पुरानी चीज है, कोई कहता है हमारी धरोहर 10000 साल पुरानी है, लेकिन समझ लेना मैं आपको ये कहना चाहता हूं दुनिया की प्राचीनतम प्रतिमा की बात की जाए वो कौन सी प्रतिमा है? गिरनार तीर्थ में विराजमान कौन से परमात्मा? नेमिनाथ परमात्मा की प्रतिमा आज के समय में दुनिया की सबसे प्राचीन प्रतिमा। और ऐसे नेमिनाथ परमात्मा का आज जन्म कल्याणक है, ऐसे नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। दो हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, आंखें बंद करके भावपूर्वक नेमिनाथ परमात्मा के सामने जाकर के मस्तक झुका देना और मन में भाव लाना परमात्मा हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें संसार की सबसे प्राचीन प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।